अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। इफ्तारी में लोग बहुत ज़्यादा कैलरीज वाली ड्रिंक लेते हैं जिसकी वजह से उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। तो ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जिससे आपका वेट लॉस होता रहेगा, जो लो कैलरी भी हों और जिनसे आपकी थर्स्ट, जो आपकी प्यास है, वो भी बुझ जाए और आपको टेस्ट भी अच्छा लगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो दो ड्रिंक्स कौन सी हैं और उसको बनाते कैसे हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे एक बटन होगा रेड कलर का, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस, जो पहली चीज़ हम बनाने वाले हैं वो है लीमू पानी, लेमनेड। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे हैं, एक लीमू है और ये जो उसका जूस निकालने वाला होता है इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, नमक, आपको चाहिए ग्लास, चीनी ये छोटा सा एक कप है, और किचन स्केल और पानी। तो गाइस, लीमू पानी तो बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले इसमें पानी डालना है। अब ये एक गिलास पानी हमारे पास हो गया, अब इसके अंदर हम लीमू निचोड़ लेंगे। तो गाइस, अब हम लेने वाले हैं थोड़ी सी चीनी, हमें चाहिए एक किचन स्केल। किचन स्केल से हमें पता लगेगा कि हमने कितने ग्राम्स चीनी लेनी है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रखूँगा, इसको मैं ऑन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो है, हमने 10 ग्राम्स चीनी लेनी है। तो ये हो गया 6 ग्राम्स एंड 9 एंड 10। अब आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम चीनी है। अब जो लीमू पानी था उसके अंदर आप चीनी डाल लें और यहाँ पे हम एक चुटकी नमक लेंगे, ये आप इसमें ऐड कर लें और अब इसको मिक्स कर लें। तो गाइस, यहाँ पे हमने लीमू पानी में चीनी डाली थी 10 ग्राम्स, जिसकी कैलोरीज़ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। अगर आप इसकी कैलोरीज़ बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये ज़ीरो कैलोरी और ये ज़ीरो कैलोरी बन सकती है, तो आप इसमें स्टीविया ऐड करते हैं। वो एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है, एक नेचुरल स्वीटनर होता है, उसमें कैलोरीज़ नहीं होती। अगर आप चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुक्राल ले सकते हैं, कैंड्रिल ले सकते हैं, उस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, उनकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड प्लस यू विल सेव अ लॉट ऑफ कैलोरीज़। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ड्रिंक की तरफ, जो बहुत सिंपल है। हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। तो आपको चाहिए 300 ग्राम्स ऑफ वाटरमेलन। तो आपने एक बोल एक स्केल के ऊपर रखना है, इसको ऑन करना है और ये ज़ीरो आपको दिखाएगा कि ये ज़ीरो है। इसके बाद आपने वाटरमेलन इसके अंदर डाल लेना है, तो ये आपको दिखा देगा कि 300 ग्राम्स। तो ये 3 ग्राम कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ आपको चाहिए होगी यहाँ पे बर्फ़ और फूड प्रोसेसर या कोई भी ब्लेंडर जिससे आप जूस कर सकें। तो गाइस, अब जो वाटरमेलन है उसको आप ब्लेंडर में डाल देंगे। यहाँ पे आप आइस ऐड कर दें। चीनी की यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वाटरमेलन काफ़ी मीठा होता है। तो अब आप इसको ब्लेंडर को लगाएंगे, जूसर को, और इसको बंद करके अब इसको चला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वाटरमेलन जूस जो है वो रेडी है। अब हम इसको ग्लास में डाल लेते हैं। तो ये आपका वाटरमेलन जूस रेडी है। तो गाइस, हमने ये दो बहुत सिंपल ड्रिंक्स बनाई हैं। वाटरमेलन के जो जूस की कैलोरीज हैं वो आपकी स्क्रीन पे मेंशनड होंगी, आप देख सकते हैं कितनी कैलोरीज हैं। और ये अब जैसे जैसे वाटरमेलन बढ़ाते जाएंगे उसकी कैलोरीज बढ़ती जाएंगी। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है वाटरमेलन जूस तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होंगी। अगर आप कम लेना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, बट इसमें चीनी की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक्चुअली नहीं है। अगर आप वैसे पीना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, 0 कैलोरी और इसमें 90 कैलोरीज हैं।